फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम सेंचुरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नूरुल बदर, जिसको आप यूट्यूब की दुनिया में नूर भाई के नाम से जानते हैं, एक बार फिर मुरादाबाद से एक बेहतरीन वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुरादाबाद आया हुआ हूँ और आज मैं लाल बाग में हूँ। लाल बाग एरिया है मुरादाबाद में, वहाँ पर भी हमारे जमाल भाई हैं, उनके यहाँ हूँ। उनके यहाँ बहुत ही उम्दा किस्म के कबूतर हैं, अच्छी नस्लें हैं, बाहर की भी हैं, इम्पोर्टेड ब्रीड है। तो उनसे मुलाकात करेंगे और उनके शौक़ के बारे में जानेंगे, उनकी ब्रीड देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारे सामने जमाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आने के लिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका नाम? राशिद। राशिद भाई हमारे साथ। और जमाल भाई, कैसे मिजाज हो रहे हैं? सब बढ़िया, अल्लाह करम साहब। तो शौक़ कब से चल रहा है? शौक तो साहब ये ज़्यादा पुराना मेरा है नहीं। अच्छा अच्छा। मेरा तो ये 3-4 साल पुराना शौक है। अच्छा। क्योंकि हमारे उस्ताद आरिफ अजीज साहब जो हैं, जी जी, वो बहुत ही शागिर्दों पे अपने ध्यान करते हैं। अच्छा, तो मैं भी एक शागिर्द हूं ऐसे ही। इधर आ जाइए इधर। उन्हीं के बनाए हुए कबूतर। अच्छा। उन्हीं के बनवाए हुए, उन्हीं ने दिलाए हैं सारे कबूतर। अच्छा। और ये मेरे पास बहुत सारी नस्लें हैं जो कि इंपोर्ट भी हुई हैं, उनमें कुछ कबूतर। हाँ हाँ। गोल्डन इमामदीन है। अच्छा। और टेडी है। अच्छा। और ये ऐसे कबूतर हैं कि इनके बच्चे में इस साल कप में भी नहीं लगा सका, क्योंकि वो ओवर वेट रहे थे पहले साल के बच्चे ही। अच्छा जी। तो बचाने पड़ गए। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये इतने ज्यादा ओवर वेट रहे थे कि सुबह 6:30 की झंडी के, और ये शाम को भी नहीं बैठ रहे थे। अरे। तो मैंने बहुत 140 बच्चे जो हैं इनके बिल्कुल बचा लिए थे, जिन्हें अच्छा। मैंने अपनी उड़ान में भी नहीं लगाया, 55 के कप में था। अच्छा अच्छा। और कारोबारी मसलात के चक्कर में मैं अपने कबूतरों को उड़ान भी नहीं दे सका, क्योंकि बिल्कुल तनहा अकेला आदमी। जी 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 जी। और जितने अच्छा। मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत, जैसे हमारे मामू को शौक है, तो ये भी बेचारे अपने काम में रहते हैं, ये भी इतना टाइम नहीं दे पाते। अच्छा अच्छा। और कम टाइम देने की बिना पे हमारी उड़ान जो है थोड़ी सी घट के बैठे हैं कबूतर। अच्छा, ऐसा नहीं है अच्छा। खराब हुई, खराब का तो कोई मतलब ही नहीं है। जी जी। कबूतर बहुत बढ़िया उड़े, नंबरों की होड़ भाई थी नहीं, शौक ही करना था, कबूतर मेरे शाम तक रहे। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी इनका कुछ सेटअप अलग तैयार हुआ था, तो इन्होंने अभी फिलहाल यहाँ डाल लिए हैं छोटा सा बनाकर, फिर आगे इनकी ख्वाहिश है कि आगे और भी बनाने की, यहाँ पर लॉफ्ट अच्छा करके प्रॉपर तरीके से सेटअप होगा कबूतर का। जी, हर नस्ल अलग होगी उसमें। जी 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 जी। और अभी हमने ऐसे ही इधर कर दिए हैं सारे उड़ाकर, उड़ाते जो है वो वहाँ से ऊपर से, है ना? जी जी। ये चलिए फिलहाल मैं आपको यहाँ अंदर से आपको शौक करवाता हूँ। जो साहब, मैं सबसे पहले आपको टेडियो से शुरुआत करता हूँ, जो कि बिल्कुल ये ओमान ब्रीड का कबूतर है। जी जी। और बाहर से इंपोर्ट हुआ हुआ कबूतर है। अच्छा, साफ कर दूंगा। ये देखिए, ये साहब, ये बिल्कुल ओरिजिनल टेडी है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये देखिए कबूतर, इसकी आँख का शौक करें फ्रेंड, देखें बहुत बढ़िया। ये टेडी कबूतर है जमाल भाई का, देखें। ये बिल्कुल ओरिजिनल है साहब, इंपोर्ट करे हुए कबूतर हैं ये। अच्छा। अभी कैच कर रखे हैं क्योंकि हमारा सेटअप अभी बनना है। जी 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 जी। और ये बहुत बढ़िया, ये देखिए क्या खूबसूरत कबूतर। लाओ दे, ये देखिए इसकी स्टैंडिंग, देखिए वही दे रही हूँ, इसकी मादिन दो पहले इसकी। माशाल्लाह। ये नर था? ये नर है साहब, ये इसकी मादिन है, ये सकी। ये देखिए, ये सकी चौधरी जो है पाकिस्तान। अच्छा, अच्छा, में सकी, ये सकी उनकी बिल्कुल ओरिजिनल है। हाँ। और इस ब्रीड का नाम जो है साहब, ये 41 नंबर कहलाती है उनकी। अच्छा हाँ, ये मैंने बड़े नाम सुने हैं। ये 41 नंबर ब्रीड की मादिन है, इसका साहब पल्ला भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा पेयर है जमाल भाई के पास, देखिए मादीन थी। और ये इसकी टेल है, ये देखें बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और ये उस नर से लगी हुई है, ओमान राजा से। अच्छा, ये देखें, ये देखें, ये देखिए, ये पूरा, ये रहा पेयर, वो नर है, मादीन है, देखिए। और ये साहब, ये गोल्डन इमामदीन वाले कहलाते हैं, पाकिस्तान में इमामदीन उस्ताद हैं, ये उनके यहाँ के गोल्डन है, बिल्कुल ओरिजिनल इम्पोर्ट हुए। ये देखिए बहुत खूब, ये देखें इसकी आँख का शौक करिए फ्रेंड्स, देखिए एक मिनट, बहुत बढ़िया। इमामदीन कहलाते हैं ये, ये देखिए पाकिस्तान की ब्रीड है, ये इमामदीन के नाम से मशहूर है, गोल्डन इमामदीन। गोल्डन ये नर है इसका। और ये मेरे पास एक नहीं, ये मेरे पास 10-15 हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये देखिए एक इस कबूतर का शौक करिए, देखिए इसकी आइज देखें, ये देखिए एक मिनट ऐसी रखना। और इनकी खासियत ये है साहब, पहले साल का बच्चा इनका बाजी में नहीं लग सका है उड़ान। अच्छा, में जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर बैठ रहे थे। अच्छा, मैंने ऐसे ही ओरिजिनल डाल रखे थे। ये साहब उसी नर की मादीन है। ये देखिए ये वाला जोड़ा खोलिए टेडी का, माशाल्लाह। ये हमारे यहाँ के बिल्कुल ओरिजिनल देवबंदी है। ये देखिए पुरानी ब्रीड होती थी।
अच्छा, ये उस ब्रीड के कबूतर हैं, बिल्कुल ओरिजिनल, कोई मेल नहीं इनके अंदर। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। इनके भी दसों पर साहब बच्चे लगाए थे मैंने। अच्छा, जो कि 2 बजे के बाद बैठे हैं। देखिए इन गोल्डन के कबूतर का शौक करें, बिल्कुल ओरिजिनल। ये देखें साहब, इनकी इनकी ओरिजिनल की पहचान ये होती है, ये अपना पर ये खुद ही काला कर लेते हैं। अच्छा, ये सब बिल्कुल जब बच्चे थे जी जी तो जी। ये बिल्कुल साफ पर लाते अच्छा, हैं साफ। और कुछ दिनों के बाद ये जो है हाँ। पर को खुद ही डार्क कर लेते हैं, ब्लैक हो जाता है। ओ, ये इस पर रंग आ जाते हैं। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ये भी गोल्डन है, वो देवबंदी, ये बिल्कुल ओरिजिनल देवबंदी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ये देखिए, बहुत बढ़िया कबूतर है माशाल्लाह। देखें ये देखिए, ये साहब बटेरा कबूतर है। बटेरा, ये देखिए 35 वाला भी लोग बोलते हैं। हाँ, 35 वाला। हाँ, थोड़ा सा धूप में ऐसे दिखाना आईज इसकी। ये एक मिनट, ये देखिए इसकी आईज का शौक करें फ्रेंड। देखिए, और ये इसका पल्ला है, ये इसकी टेल है, बहुत बढ़िया। एक पत्ता, और ये कबूतर भी मेरे पास काफ़ी हैं। अच्छा, और इन्हीं के बच्चे भी उड़ रहे हैं। ये कौन था? ये देखें साहब, ये भी एक बटेरा कबूतर है। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, आइस का शौक करें इसकी, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ये इसका पल्ला रहा और ये इसकी टेल रही, बहुत बढ़िया। ना ना, ये वाला नहीं, मैं दिखा जी। ये एक ब्रीड अली वाली कहलाती है। अली वाली? हाँ, ये साहब ये अली पाकिस्तानी ब्रीड है। ये भी पाकिस्तानी ब्रीड है, ये अली वालों में से एक कबूतर है। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, अली वालों में से ये कबूतर है एक। हाँ, ये देखिए इसकी आँख देखें माशाल्लाह, बहुत उम्दा। ये इसका पल्ला है और ये नर की टेल है। ये देखिए इसका ही पैर है, पूरा पूरा पैर है। जी ये देखिए, अभी जो आपने देखी, क्या अली वाले बोल रहे थे ना? हाँ, अली वाले। उसकी मादीन है ये देखिए, बहुत बढ़िया। वो नर था, वो नर था, देखिए मादीन है माशाल्लाह, बहुत खूब। ये सब इनकी टेल है, टेल देखिए, और ये पल्ला है इनका। ये साहब का मगर है, ये देखिए माशाल्लाह, जमाल भाई ने सारी ही बेहतरीन नस्ल रख रखी। और ये है, मेरे पास दोनों ही तरह के कमकगर हैं, कम तेज आँख का। अच्छा अच्छा, और ये एक बिल्कुल खूनी आँखों के भी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जर्रात देखिए इसमें माशाल्लाह, बहुत उम्दा। कमकगर भी हैं, टेडी भी हैं, सारे ही माशाल्लाह। ये साहब गोल्डन कबूतर हैं, ये एक गोल्डन, ये वाला भी निकाल दियो, ये ओरिजिनल पाकिस्तानी इधर है। देखो इसके बराबर वाले खाने में, ये देखें, ये साहब गोल्डन कबूतर है, ये हमारे यहाँ टेढ़ा हो गया था। अच्छा, ये देखिए गोल्डन, और इनके रिजल्ट बहुत हाई हैं। इनके यहाँ इसका बच्चा मेरे यहाँ शाम में 55 वाले कप में बिल्कुल शाम में बैठा है। अच्छा, ये देखिए अंधेरे में, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये गोल्डन कबूतर है। ये देखिए बढ़िया, ठीक है ठीक है, ये भी गोल्डन, ये और बिल्कुल ओरिजिनल गोल्डन। ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन कबूतर, एक और देखें, और आँख देखें इसकी ज़रा। और इसके बच्चों की स्थिति यह है कि इनके बच्चे भी मैं नहीं उड़ा सका। अच्छा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर वेट रहे थे। ओ, नेक्स्ट डे भी आ रहे थे। ये इसका साफ पल्ला है, और ये इसकी टेल, ये टेल देख लीजिए। इन आँखों देखा, अंगूठे दोनों अलग हैं मेरे, ये टेल ही इसकी है। जी जी, ये नहीं जी, एक ये टेडी कबूतर, ये देखिए टेडी कबूतर, एक और देखिए, और ये देखिए इसकी आँख, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत खूब। ये 128 नंबर ब्रीड है सकी भट्टी की। अच्छा, देखिए बहुत ही उम्दा नस्ल है भाई, देखिए। और ये अभी पट्टी है कबूतरी, ये देखिए, अरे ठीक है, और हैं अभी दिखा। अच्छा रहा,
ये देखिए एक ये कबूतर देखिए, ये भी छापदार का मगर है, बहुत उम्दा। ये कबूतर का वजूद ये देखिए, बहुत बढ़िया भाई। ये भी दिखा दो, ये देखिए पियर था, ये मादीन है, देखिए वो नर था, बहुत बढ़िया। यहाँ पे छापदार तीतर है, छापदार तीतर है जी, जो देखने को भी नहीं मिलते। जी 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 जी, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ये देखिए छोड़ दो, बढ़िया आग आग देख लीजिए फ्रेंड्स, एक मिनट, ये देखिए बढ़िया। एक ये भी गोल्डन देखें इमाम दीन, ये भी गोल्डन इमाम दीन है। हाँ अच्छा, देखिए फ्रेंड्स चमक, इसकी आंख में चमक देखें आप कितनी। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत बढ़िया, ये देखिए कबूतर, ये टेडी है, इसका शौक करिए, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है ऐसे दिखा देता हूँ, एक दो का मैं और करा दूँ। जी जी जी, कौन सा बताया? सेबे वाला, सेबे? ये भी पाकिस्तानी इंपोर्टेड कबूतर है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, एक ये कबूतर देखिए, आईज देखें इसकी माशाल्लाह, और ये इसका पल्ला है, और ये इसकी टेल है, ये देखिए बहुत बढ़िया। ये कबूतर का वजूद, ये देखिए सारे आपको एक से एक कबूतर दिखा रहे हैं जमाल भाई। ये देखिए हाँ, ये एक डब वाला और रहेगा। अच्छा ये एक और देखिए, डब वाला कबूतर, डब वाला कबूतर देखें आप, ये देखिए बहुत बढ़िया। देखिए ये देखिए कबूतर खोले, सब वही ब्रीड है, सारी सारी वही ब्रीड है जो अभी दिखा रहे थे भाई, उन्हीं के बच्चे। जी जी, और जी। वो खुद पूरे पेयर, ये देखिए माशाल्लाह बहुत उम्दा। देखिए सारे जो हैं एकदम उम्दा नस्ल है भाई जमाल भाई के पास, ये देखिए, ये देखें, ये कमगर नीले कबूतर जो कहलाते हैं, ये कमगर खड़े हैं। जी जी जी, ये देखें, इन्हीं सबके बच्चे उड़ाए थे आपने? इन्हीं सबके बच्चे नहीं, उड़ने से रह गए, इनका कोई बच्चा नहीं लग सका टाइम ज्यादा ओवर होने की बिना। जी 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 जी, तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे कबूतर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी ब्रीड रखी हुई है। एक ये पकड़ देना लाल आंख का कबूतर, ये गुड़क रहा है, ये वाला, हाँ ऑरेंज कलिया वाला है, ये देखिए ये है, ये गोल्डन, बंद कर दो। ये देखिए कबूतर, ये साहब एक कबूतर, ये देखें इसकी आँख देखें आप माशाल्लाह एकदम, रुकिए एक मिनट, ये बिल्कुल तेज जी आँखों के कबूतर हैं, रेड आईज में है एकदम, ये देखिए बहुत बढ़िया। ये भी गोल्डन है? जी ये भी गोल्डन ही है, इसका पल्ला देखें आप कितना बड़ा है। जी बाकी देखें ये सारे कबूतर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तो आपने देखा, यहाँ पे नीचे के कबूतर देख लिए सारे, यहाँ से सारे जोड़ रहते हैं नीचे, बाकी उड़ान जो की थी ऊपर से की थी, तो थोड़ा सा मैं ऊपर का भी दिखा देता हूँ, लॉफ्ट जो बना रखा है जाल ऊपर, तो ऊपर चलते हैं ऊपर का भी देखते हैं थोड़ा सा। वहीं रही हूँ, वहीं देखो यहाँ देखिए पूरा जाल बना रखा है माशाल्लाह बहुत बढ़िया, ये देखिए इसमें भी सब ये उड़ने वाले कबूतर हैं सारे, ये देखिए
ये सारी वही नस्लें हैं, ये जो उड़ने से रह गए हैं कबूतर हमारे देवबंदी हैं, इसमें कमकर हैं, ये बटेरन मादीन बैठी है, जी 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 जी, ये पीछे टेडी बैठी है, वो हाँ वो भी है देखिए पीछे साइड में, हाँ हाँ हाँ, और ये भी नीचे गोल्डन हमारा पट्ठा ही है, उड़ने से रह गए हैं कबूतर, इन्हें बिल्कुल छेड़ा ही नहीं गया। अच्छा ये देखिए साहब, देखिए बाकी मैं बाहर से लॉफ्ट दिखाऊंगा आपको, ये लॉफ्ट तैयार किया है जमाल भाई ने, और ये ज़्यादा पुराना नहीं साहब, ये हमारा 2 साल पुराना ही है, बस 2 साल अच्छा, हुए हैं। दो साल हुए हैं, ये देखिए यहाँ से कबूतर उड़ते हैं और बाकी नीचे जोड़ रहते हैं, और आसपास का नज़ारा भी देखें आप माशाल्लाह, देखिए लाल बाग का एरिया है ये देखिए बहुत बढ़िया। मैं आपको एक कबूतर दिखाता हूँ जो नीचे गोल्डन दिखाया था उसका बच्चा, अच्छा जो कि शाम में बैठा था कप में, अच्छा ये देखिए ये साइड 2 पोर्शन दे रखे हैं, उस साइड में मादीन है, इस साइड में नर है, ये सारे नर हैं इधर, ये साहब वो कबूतर है जो शाम में बैठा था बिल्कुल, अच्छा दिखाइए, ये है गोल्डन कबूतर, ये देखिए नीचे वाले कबूतर का बच्चा है, जी 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 जी, ये बता रहे हैं जिस दिन उड़ान हुई है उस दिन शाम में बैठा है एकदम, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसे लग रहे हैं कबूतर सारे, ये देखिए टाइम नहीं होने के बिना पर मैं इतने उड़ाने नहीं दे पाया कारोबार की मसाइल के वजह से, बिल्कुल बिल्कुल। ये साहब वो टेडी नीचे जो मैंने आपको दिखाए थे, हाँ हाँ, ये उनकी पट्टी है ये, अच्छा ये देखिए टेडी नीचे देखे थे उन्हीं में से ये की पट्टी है इनकी, उड़ाई थी ये उड़ाई थी साहब, ये 3 बजे बैठी है, 3 बजे माशाल्लाह बहुत बढ़िया, और ये पहले ही साल की पट्टी है, 10 ऊपर साफ कर कर आई थी अभी, अच्छा और ये मोहर भी इस पर लगी हुई है, जी देखिए मोहर भी लगी हुई है, और आग का शौक करें आप, ये देखिए बहुत खूब बहुत उम्दा माशाल्लाह, और ये बहुत छोटी सी दिखने जी हाँ आज ये देखिए, बाकी सारे कबूतर हमारे ऐसे ही हैं, हाँ ये देखें ये सारे कबूतर रहे और बहुत उम्दा माशाल्लाह शौक कर रखा है जमाल भाई ने, ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जमाल भाई के कबूतरों का शौक किया माशाल्लाह, कमगर भी थे टेडी भी थे, और पाकिस्तान की कई नायाब नस्ल जो होती हैं जो नाम से मशहूर हैं वो माशाल्लाह रख रखी हैं जमाल भाई ने। बाकी मैं जमाल भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी ये नस्लें दिखाई माशाल्लाह, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप साहब? बहुत मेहनत से ये नस्लें इकट्ठी करी गई हैं जी, और बहुत सारे कबूतर इम्पोर्ट किए गए हैं जी जी, जिसमें कि बहुत टाइम भी लगा और बहुत मेहनत के बाद ये कबूतर इकट्ठे हुए हैं जी जी, और इनके रिजल्ट इतने हाई फाई हैं कि ये जो यूट्यूब पे कबूतर मिल रहे हैं ये वो वाले कबूतर नहीं है बिल्कुल, अच्छा जो ये पंजाब की साइड से कबूतर लोग ले रहे हैं ये वो कबूतर नहीं है, ये कबूतर जो बनना है तो साहब ये बिल्कुल इंपोर्ट करके ही बनना है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और जो आम यूट्यूब पे कबूतर मिल रहे हैं ये वो कबूतर नहीं है जी 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 जी। हाँ फ्रेंड्स आप लोगों ने खुद देख लिया होगा कि क्या क्वालिटी है, बाकी आपको कैसे लगे कबूतर कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।